जिले के राहतगढ़ जनपद में एक सरपंच पति और सचिव की ग्रामवासियों ने जमकर क्लास ले ली। नतीजन दोनों ग्राम सभा छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसकी शिकायत लोगों ने एसडीएम से की है। इस मामले में राहतगढ़ एसडीएम सहित प्रशासन को पंचायत में हुए कार्यों में व्यापक घोटाले की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी जाँच कराने का भरोसा प्रशासन ने दिया है। मामला राहतगढ़ जनपद क्षेत्र के बहादुरपुर पंचायत का है, जहां पर 26 जनवरी को शासन के नियम अनुसार ग्राम सभा हो रही थी। तभी ग्राम सभा में पहुंचे ग्रामवासियों ने सचिव और सरपंच पति से विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगा। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार पर साथ ही सवाल दागने शुरू कर दिए, जिस पर ग्राम सभा के दौरान हंगामा हो गया और दोनों पंचायत वासियों के सवालों का जवाब न देकर भाग खड़े हुए। लोगों ने इस पूरे वाक्य पर और पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत एसडीएम से करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही ग्रामवासियों ने कहा है कि सरपंच पति और सचिव काम के बदले पैसे की मांग करते हैं, साथ ही सरपंच पति शिकायत की बात करने पर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हैं तो सचिव पैसा फेंक तमाशा देख लेने की तर्ज पर बात करते हैं। इतना ही नहीं, पंचायत के 3 तालाबों में बगैर कोई काम किए, बगैर सफाई किए मजदूरों के नाम पर पैसा निकालकर फर्जीवाड़ा किया गया है। वीर सिंह के नाम को कुगा मंजूर करवाओ तो 5,000 रुपए उन्होंने ले लाए थे और उनसे कही की काम लगवाओ कुगा के ऑनलाइन नहीं भाव। अब कह रहे 5,000 रुपए और दो जब ऑनलाइन और जनवरी आखिरी है, एक बाद ऑनलाइन बंद हो जाए तो कह रहे 5,000 रुपए और दो। कौन मांग रहा भाई? सरपंच बड़ा में बाहुबली का बताते हैं, कोई भी कुछ बोलते हैं सो कहने लगे, वो जो बोलना है जाओ, जहाँ कुछ भी जो करना है कर लेना, हमारा कोई नहीं जा बोलते हैं जाओ। एसडीएम सरपंच हरिजन एक्ट की धमकी देते हैं और सचिव जो बोलते हैं हमारा क्या, कौन क्या करेगा, हम तो जहाँ 10-20 हजार रूपए खर्च कर, हमारी कोटेशन नहीं आ रही, न लेटरिंग आ रही, और अपन सचिव शिकायत करो, लिखवा पैसा दियो। अच्छा, आई थी से दूसरे के पे कर दे, आई थी से दूसरे के पे कर दे, कौन के नाम पे कर दे? लाड़ली की। हमने कल्याणपुर के तालाब में काम नहीं किया और सरपंच ने सचिव ने हमारे ससीबाई के नाम से पैसा निकाल, कितने कितने निकाल ले? 860। वही इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्यवाही भी की जाएगी। इनका कहना है कि कोई काम हो नहीं रहा है और उसमें मस्टर रोल जारी कर दिए गए हैं, पैसा निकाल लिया गया है, धोखाधड़ी का बेसिकली लग रहा है और इसका अवलोकन करने को जानकारी और आपको देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई तला वाला की बात बता रहे हैं, जहाँ इनका कहना काम नहीं हो रहा लेकिन उसका पैसा नहीं। सर पहले की शिकायत में कार्रवाई नहीं, मेरे सामने तो नहीं आई है, पहले का मुझे आइडिया नहीं। ये पूरा माजरा देखकर लगता है कि बहादुरपुर पंचायत में दाल थोड़ी बहुत ही नहीं पूरी काली है। अब देखने वाली बात ये होगी पूरा माजरा क्या है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। राहतगढ़ से संजय जोशी की।